नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्ताना सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विसिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत जय बोलो देवतात्व गुरु की। पूर्व का सब आपको याद होगा ऐसा मैं मानकर आगे प्रकरण चलाता हूँ मैं। मुद्दा यह है कि चरणानियोग में जो व्यवहार श्रावक धर्म और मुनि धर्म और पाप की प्रवृत्ति छुड़ाकर पुण्य में लगाने का उपदेश किनको दिया जाता है उसकी यहाँ चर्चा है। चरणानियोग के व्याख्यान विधान में है ना, नियमावली है, विधान है, कैसे उसमें दिया जाता है। देखो पेज नंबर 293 है ना, जहाँ अपन ने कल प्रकरण छोड़ा था वहीं से विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये विषय भी क्रम में नहीं है ना, तो आपको तो फटाफट अपन जब इसको लेंगे तब अपन शांति से इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। पेज नंबर 293 मेरे ग्रंथ में मिल गया आपको, जिनका जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ है वो निकाल दें। हेडिंग है चरणानियोग का विधान। हेडिंग क्या है? चरणानियोग का विधान, ठीक है। पेज नंबर 293 पैराग्राफ नंबर दूसरा है, देखो मैं पढ़ता हूँ। जहाँ वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। व्यवहार का उपदेश किसको देते हैं? व्यवहार का उपदेश किसको देते हैं? चरणानियोग के व्यवहार का उपदेश किसको देते हैं? एक उसमें दो कंडीशन लिखी कि जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उपदेश देने पर भी होता नहीं दिखाई देता। दो बातें लिखी यहाँ पर टोडर मिल साहब ने, क्या लिखी? जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी होता नहीं दिखाई देता, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव को काय का उपदेश देते हैं? चरणानियोग में व्यवहार का, यानी पाप प्रवृत्ति को छुड़ाकर पुण्य प्रवृत्ति को धर्म बताकर उस जीव को वहां लगाया है, ये बात कही है। अभी यहाँ एक प्रश्न खड़ा होगा आपका, किताब ऐसा कहने पर वो वहां पर भी लड़ाई झगड़े करता था घर में और मंदिर में आके भी लड़ाई झगड़े करता है, ऐसे जीव है। और आपने तो कह दिया भाई तू मंदिर आया कर, तो मंदिर में आकर भी इसने विवाद शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे जीव का भी परिणाम तो सुधरे नहीं, वो चाहे घर में रहे या चाहे मंदिर में रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने बोला ना कि भाई तू मंदिर बना है, तू विधान करा, तू पूजा कर, और पूजा करने आता है तो यहाँ पर भी नाराज हो जाता है, ये क्या सामग्री है, क्या ये मंदिर की व्यवस्था है, ये क्या ट्रस्टी है, देखो कोई करता ही नहीं है, और नाराज होता है। और घर में भी नाराज ही रहता था, वहां पाप प्रवृत्ति में लगाया, आपने तो क्या सोचा था इसको, काय के लिए लगाया था इसको, कि भाई ये पाप परिणाम को छोड़कर ये धर्म मार्ग पे लगेगा तो परिणाम मंद कसाई के हो जाएंगे, और जब मंद कसाई के परिणाम हो जाएंगे भले ही धर्म प्रकट नहीं हो लेकिन उसके से जो उसके कर्म बंधेंगे उसको आगामी काल में जैन धर्म का निमित्त बनेगा और संयोग अनुकूल बने रहेंगे, इतनी बात थी। लेकिन ये तो यहाँ आकर भी परिणाम नहीं सुधरते इसके, तो फिर ऐसा उपदेश क्यों देते हो? एक प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है ना, उसका भी टोटल बजे साहब ने समाधान दिया है। देखो मैं पहले समाधान पढ़ लूं, क्योंकि प्रश्न अपन ने अभी खड़ा कर दिया, फिर उसके ऊपर पढ़ेंगे। इसी पे 293 पे अंतिम पैराग्राफ,
वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। क्या है व्यवहार उपदेश में तो बाहर की क्रियाओं की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है ना। उसको उपदेश दिया है भाई तू ये मकान क्या बनाता है, भाई मंदिर बना है, तेरे को बनाने का ही है, तो वो क्या करता है पाप की क्रिया को छोड़कर पुण्य की क्रिया में प्रवर्तता है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कथाएं छोड़कर कुछ मंद कथाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है। क्या कहा कि हम जब उसको ये बोलते हैं तू मंदिर आ पूजा कर, तू है ना साधर्मियों का सत्संग रख, तो क्या होएगा कि इसके परिणाम जो वहां तीव्र पाप के थे वो छोड़कर जब अब ये पुण्य की क्रियाओं में लगेगा तो परिणाम में इसके मंद कसाई के हो जाते हैं। मुख्य रूप से मतलब सबके हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है, ये ना अधिकतर जीवों के ऐसा होता है कि मंदिर में आएंगे तो परिणाम उनके मंद कसाई के हो जाएंगे। इसीलिए हम उसको मंदिर में आने का, सत्संग करने का, पूजा करने का, तीर्थ यात्रा करने का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब किसी के नहीं हो तो टोटल वजह से आप समझ कर रहे भाई आपने तो उपदेश दे दिया तीर्थ यात्रा करने का, और नहीं हो तीर्थ में जाए तो वहीं नाराज हो जाए ये सब ट्रस्टी चोर है, ये क्या मंदिर की व्यवस्था है, इन्होंने तो पूरा ये सब बिगाड़ दिया है, भोजनशाला तो देखो तो ये तो भोजन ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, काफी नाराज हो जाए। अरे परिणाम उसके मंद कसाई के नहीं हुए। कब? धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हुए भी उस जीव के यदि परिणाम मंद कसाई के नहीं होए तो टोटल वाले साहब क्या कहते हैं, परंतु किसी के न हो तो मत हो। अभी नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन इसके चक्कर में किसी के नहीं होते, इसके चक्कर में हम उपदेश ही नहीं देवे किसी को, ऐसा नहीं हो सकता। आई बात समझ में, बात पकड़ में, किसी के नहीं हो तो नहीं हो। अब जो घर में भी लड़ा रहा है और मंदिर में आके भी लड़ाता है, घर पे भी अधिकार चाहिए उसको, मंदिर में भी अधिकार चाहिए, किसमें चाहिए अधिकार है? घर में भी कर्तव्य का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार तो हक का है पैसे का, और मंदिर में भी कर्तव्य का कोई अधिकार नहीं है, काई का हक है, काई का अधिकार, भाई काम करने के लिए तो काम नहीं है गजावस्था, खूब करो मंदिर परमेश्वर भगवान की सेवा, खूब करो जिनवाणी माता की सेवा है, आप ले जाओ उसको संभाल के रखो, कौन मना करता है उसको, यहाँ व्यवस्थित जमाव है मंदिर में, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई घर से सुंदर लग रहा है करो, लेकिन साहब हमारी कोई पोस्ट तो तेरे को पोस्ट दी है कि सेवा कर लो, क्या चाहिए बोलो है? घर में भी माता पिता की सेवा करनी, खूब करो, कौन मना करता है, चार बच्चे हैं तो चार ही सेवा करो, लेकिन झगड़ा कहीं का है, झगड़ा कहीं का है, कहीं का झगड़ा है, कर्तव्य का थोड़ी झगड़ा है, है? अधिकार चाहिए उसको, हक चाहिए हक, आई बात समझ में, तो ऐसे जीव वहां पर भी लड़े तो लड़ो, उनको तो कहा भी मंदिर आया करो पूजा करो, अब यहां भी नाराज हो तो हो, लेकिन उपदेश देना बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि वहां तो वैसे ही पाप हो रहा, कहां वहां तो पाप की क्रिया में ही लगा हुआ था, कोई जीव इस क्षेत्र में इस क्रिया में लगेगा तो परिणाम मंद कसाई के हो जाएंगे तो ठीक है, और किसी के नहीं हो तो नहीं हो। श्री गुरु का तो सबका भला करने का भाव है। ठीक है, एंगल समझ में आ गया आपको? चलो वापस अपना ऊपर का पैराग्राफ आ जाओ, ऊपर का पैराग्राफ पेज नंबर 293 ऊपर का पैराग्राफ। अरे हाँ जी, मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, आप बराबर समझना, जो भी गड़बड़ी है वो निकाल के सही जगह सही रेंक पे जमा देना, बहुत गड़बड़ी चलती है समाज में इसको लेकर। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। आई बात समझ में? ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब आगे, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, किसका ज्ञान है? निश्चय और व्यवहार का ज्ञान है कि ये कथन निश्चय की अपेक्षा से है, ये आश्रय करने भूत है, और ये व्यवहार की अपेक्षा से है, जिनको ज्ञान है
और जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन उपदेश देने पर ज्ञान होता दिखाई दे, ऐसा भी है कि जिनको निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है लेकिन उसकी परिणति भी अभी मंद कसाई की है ना, और उसको उपदेश देता हुआ अभी उसको देखो एक बात समझना, ये बहुत जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए क्या कह जाओ साहब, यदि आप में कोई कमी है ठीक है और आप में पात्रता नहीं है क्या कि उस कमी को स्वीकार करके सुधारने की, और कोई जीव यदि उस कमी को बताए तो क्या होगा, क्या होगा बोलो भाई अजित भैया क्या होगा है? थैंक यू गुरुदेव सिंह से कोई बोलते थे कि ये यहाँ आते वो वाद विवाद करना चाहते हैं तो गुरुदेव सिंह कहते थैंक यू छोड़ो, कि जो जो भी जैसे ही कोई उल्टी बात करता बोले विवाद विवाद में क्या हल, सामने वाले जीव की पात्रता होनी चाहिए कि सही बात समझने की कि हाँ भाई उसके, और यदि सही बात समझने की उसकी पात्रता नहीं है और उसको आप बता दो भाई तू ये गलत है तो वैसे ही दवा गरम है फिर वो क्या होगा, क्या होगा कह जाओ साहब। तो इसीलिए टोडर मजी साहब ने क्या कहा कि पहले तो जिनको व्यवहार निश्चय का ज्ञान हो ऐसे जीव को, या फिर जिनको उपदेश देने पर ये बात बराबर समझ में आती हो, क्या समझ में आती हो कि ये व्यवहार की तरफ से आचार्य देव ने कथन किया है ये निश्चय का कथन है वो समझ सकता हो, ऐसी पात्रता हो, कोई पूर्वाग्रह कोई पद्धति बुद्धि से कोई अपनी मान्यता लेकर बैठा हुआ है चिपका हुआ है और समझना ही नहीं चाहता तो उस जीव के लिए तो भाई ठीक। फिर आगे अभी मैं द्रव्य योग के विधान में पढ़ाऊंगा कि आप फिर ऐसी बड़ी सभा में तो सब ऐसे ही दिखते हैं है? बड़ी सभा में सब ऐसे ही दिखते हैं, कैसे दिखते हैं कि किसी को कोई न तो निश्चय की खबर है न किसी को व्यवहार की खबर है, और आपको ऐसे जीवों को सीधे यही बात बताओ माता पिता की सेवा करो है दया दान पूजा उसमें धर्म में यही बताओ, क्योंकि अभी ऐसे जीव तो दिखाई देते नहीं है, आप सीधे सीधे इसी को धर्म में यही कहो तो बढ़िया बात है। आप फिर ये मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ परिपूर्ण हूँ मैं पर का कर्ता नहीं हूँ मैं राग का कर्ता भी नहीं हूँ ऐसी बात कह के ये क्या क्या चाहते हो, नहीं ये भी तो होगा ना आपके ये क्या पूरा पूरा जगत ही ऐसा है जिनको कहाँ पता है राग क्या है कहाँ ये, और आप सीधी ये बात करते हो तो क्या उससे क्या लाभ, तो आप ये भी बात करना बंद कर दो, ये भी होता है क्या होता एक एंगल ये भी है क्या एंगल है, पूरा जगत पाप में लगा हुआ है। अभी टोटल मजी साहब ने देखना क्या बात कही, जिसको निश्चय व्यवहार का ज्ञान है ऐसे जीव के लिए है, और एक ऐसी बात यहां भी पकड़ी कि जिनको ज्ञान होता दिखाई देवे, अभी ज्ञान नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जीव मंद गसाई वाला है, और यदि इसको आप आचार्य देव की दोनों अपेक्षा समझाओगे निश्चय की और व्यवहार की तो ये शांति से समझेगा एडामेंट नहीं करेगा जिद्दी नहीं रहे और समझ जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि वहीं से मार्ग मिलेगा मोक्ष मार्ग, और केवल व्यवहार की बात करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए टोटल वाली साहब ने ये बात कही, बात पकड़ में आई आपको। अभी आपको ऐसा ये भी लगेगा कि साहब ऐसा उपदेश क्यों देते हैं तो देखो अपन मैं एक पेज और पढ़ा देता हूं आपको है ना, थोड़ा सा आगे मैं दो पैराग्राफ और पढ़ाऊंगा अभी आपको है ना, फिर देखो सबसे पहले तो आप आ जाओ मेरे वाले ग्रंथ में पेज नंबर 299 पेज नंबर मेरे ग्रंथ में 299 द्रव्यान्योग के व्याख्यान का विधान है ना 299 मेरे वाले ग्रंथ में, और आप वाले ग्रंथ में बोलो भाई द्रव्यान्योग के व्याख्यान का विधान 284 निकालो, जो जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ है वो 284 ठीक है, बहुत शांति से प्रकरण समझना भाई हो, बहुत मर्म की बात है, ये सब झगड़े समाप्त हो जाएंगे यदि आपको ये आठवां अधिकार समझ में आता है। निकाल लिया पेज पैराग्राफ नंबर में पढ़ रहा हूं तीसरा उसका तथा मिली आपको
द्रव्यानियोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता, किसकी प्रधानता है? द्रव्यानियोग में किसकी प्रधानता है? निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। कहां निषेध करते हैं? द्रव्यानियोग। कौन निषेध करता है? कौन निषेध करता है व्यवहार धर्म में? कौन निषेध करता है? अरे द्रव्यानियोग निषेध कौन करता है? संदीप मेहता करता है क्या निषेध? कुंदकुंदाचार्य निषेध करते हैं। कौन निषेध करता है? केवली भगवान निषेध करते हैं। आई बात समझ में? कोई व्यक्ति निषेध नहीं करता। बात पकड़ में आई आपको? क्या निषेध करते हैं उसमें? द्रव्यानियोग में काहे का निषेध करते हैं? व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। क्यों? सो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते। किनके लिए? किनके लिए कजाव साहब? किनके लिए व्यवहार धर्म का निषेध किनके लिए कहते हैं? कि पूजा में धर्म नहीं, दया में धर्म नहीं। किनके लिए? कि जो उसी को धर्म मानकर बैठ गए। बात पकड़ में आई है आपको? कौन कौन? जो बाहर की क्रिया को ही धर्म मानकर बैठ गए हैं, ऐसे जीव, ठीक है? उनको आचार्य महाराज ने निश्चय से उपदेश दिया है। द्रव्यानियोग में क्या उपदेश दिया है? क्या उपदेश दिया है? कि दया दान पूजा व्रत के परिणाम में धर्म नहीं। किसने उपदेश दिया है? हाँ, ये कोई मैंने नहीं दिया है, ये कोई कांजी स्वामी ने नहीं दिया है, ये कुंदकुंदाचार्य ने नहीं दिया है, ये तो जिनेन्द्र भगवान की देशना में आई बात, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। क्या काका जी बात पकड़ में आई? किसने कही कि पूजा में धर्म नहीं है? एक तरफ उन्होंने पूजा में धर्म कहा चरणानियोग से, व्यवहार चरणानियोग का। उन्हीं आचार्य देव ने केवली भगवान की परिपाटी में क्या बात कही है? क्या बात कही है? कि पूजा में धर्म नहीं, दया में धर्म नहीं, दान में धर्म नहीं, तीर्थ यात्रा के परिणाम में धर्म नहीं। सुशील भैया किनने कही ये बात? किसने कही ये बात? हाँ, कोई कांजी स्वामी ने नहीं कही है ये बात। बहुत चक्कर है। और नहीं, ये बात किसने कही है? आचार्य भगवान ने कही है। केवली भगवान की वाणी में आई है बात, क्योंकि ये तो उनकी बात से प्रमाणित है ना। ये आई बात समझ? क्या कहा? वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। कहां निषेध करते हैं? जब द्रव्यानियोग की मुख्यता से, अध्यात्म की मुख्यता से कथन करेंगे, तब क्या करेंगे? व्यवहार का भी निषेध करेंगे। बात पकड़ में आई? क्यों निषेध करते हैं? एंगल, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है। कहां मग्न है? आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, अपने उपयोग को आत्मा में लगाकर स्थिर होने का, उसका अनुभव करने का तो उपाय नहीं करते। पूजा करते हैं, दान देते हैं, व्रत करते हैं, बाहर की क्रिया में ही लगे हुए हैं। उन जीवों को क्या कहा है? कि वहां धर्म नहीं है। और वास्तव में व्यवहार में तो धर्म नहीं, वो तो पहले के क्या है? हमारे व्यवहार की कथन करा था, कोई एंगल था हमारा व्यवहार का, जो हमने उपदेश किया था उसके पीछे हमारा कोई एंगल था। ये जीव पाप में लगा हुआ है, उसको वहां से हटाना। अब देखो आप, वहां उसको वहां से, किसको वहां से क्या करते हैं भैया? हटाते हैं कि उदास करते हैं? आई बात? क्या लिखा है टोटल में जाते हैं? उसको वहां से उदास करके, उदास करके मतलब कि हाँ, उसका इंटरेस्ट जो उसमें धर्म मान के बैठा हुआ था रुचि, उसको ये बताते हैं भाई ये धर्म नहीं है। क्या करते हैं? उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रत सील संयम आदि का हीन पना प्रकट करते हैं। वहां कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है, ये तो पुण्य भाव है, आश्रय बंद है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? केवली भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? अभी बहुत चक्कर है, कोई ये समझता है संदीप मेहता ही कहता है। वो कौन कहता है? कौन कह रहा है? केवली भगवान कहते हैं। एंगल है उनका, अपेक्षा है। कोई कहता है कांजी स्वामी ने नया धर्म निकाल लिया। कहां से नया धर्म निकाला? ये केवली भगवान की बात है, वो कहां से निकाल रहे? तीर्थ तो तीर्थंकर से प्रवर्तता है। ठीक, उनके जीवन में वो बात नहीं थी। 40 साल वो ग्रह मिथ्यास के संप्रदाय में रहे, ठीक, और जब मिल गई तो
मेमा आई और मेमा कैसी आई कि हमने 40 साल, देखो एक एंगल होता है, जब आपको सही बात मिले उसकी महिमा आवे तो अपने को लगता है अपना पुराना समय कितना ऐसे, अब आप एड़ा में हो जाओ, नहीं 20 साल तो मैं गलती करी और अब मैं सही सीख लूंगा तो वो मेरे 20 साल की गलत हो गए तो मैं तो गलत ही रह गया। अरे भैया तो अवसर है उसको पकड़ के बैठने की क्या बात, जो अपनी गलती पकड़ में आ जाए उसको सुधारो तब से काम चालू हो जाएगा। क्या कहा जाओ साहब यहां पर, वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को, व्रत को, सील को, संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। या वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। क्या कहा, क्या सावधानी रखनी उपदेश सुनते समय, क्या सावधानी रखनी कि साहब हमने कहा कि दया में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, पूजा में धर्म नहीं है, तो आपको क्या समझना है कि भाई आत्मानुभव में लगना है अपने को, राग से भिन्न अपना जो वीतराग स्वभाव है उसके सन्मुख होना है। इसलिए ये बात कही जा रही है, इसलिए नहीं बात की जा रही है कि अभी जो पूजा कर रहे थे तो कल आप पूजा करने ही नहीं आओ और दुकान में पाप में लग जाओ, ऐसा नहीं है। ये सब जीवों को ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि कथन की पद्धति समझते नहीं है और बात पकड़कर खींचतान होती है। क्या एंगल क्या है, समझ में आया कर्जा सर एंगल क्या कहा, क्या अजीत भैया बात पकड़ में आई आपको, ठीक है चलो अब देखो मैं पढ़ लेता हूं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, उस उपदेश का प्रयोजन क्या है कि शुद्धोपयोग में लगाने का है। अब जब हम कह रहे हैं ये पूजा में धर्म नहीं है तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, पूजा छोड़ने का नहीं है, अपने को जो शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में जाने के लिए प्रेरणा के लिए वो कथन है। आई बात समझ में, क्या करें क्या करें क्या करें, भाई भैया उस शुद्ध उपयोग में जाने का प्रयास कर और जब नहीं जा पा रहा है तो तेरे लिए पूजा है ही है वो कर, ऐसा थोड़ी है कि तू फिर पाप के काम में लग जा। चलो अब आगे एक और सुंदर चर्चा टोटो वाले साहब ने करी है, देखो मैं बहुत आपको बताता हूँ मजेदार बात इसके अंदर। आपने कभी पेज नंबर 307 के साथ, ठीक है आपको आत्मानुभव की बात करनी है, आत्मा में ही रमना जमना है, ये बाहर की क्रियाओं में क्या धरा है, क्या संयम में क्या धरा है, है तप में क्या धरा है, क्या पेज नंबर 307 निकालो, पेज नंबर 307 मेरे वाले ग्रंथ में है, द्रव्यान योग में दोष कल्पना के ऊपर वाला पैराग्राफ, चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण है ना। मैं अभी वापस दे रहा एक एक पैराग्राफ एक बस ये फटाफट अपन, क्योंकि वो नहीं तो वो क्रम टूट जाएगा। मिल गया पेज नंबर 307, ठीक है ना, द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण के ऊपर वाला पेज देखो, तथा यदि बाही संयम से कुछ सिद्ध नहीं हो तो, आप बोल अभी द्रव्यानियों में कहा जाएगा कि बाहर से आपने ये छोड़ दिया उससे क्या है, उसमें क्या है, आप आत्मानुभव करो क्योंकि उस जीव को आत्मा ने, और अब यहाँ चरणानियों के एंगल से टोटल मल्ली साहब देखो कितनी सुंदर बात पुष्ट करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, यदि बाह्य संयम से, बाह्य संयम मतलब पांच इंद्री के से पाप, पांच इंद्रियों और मन को वहां से हटाना, ये क्या कहलाता है बाही संयम, क्या पांच इंद्री और मन को है ना, इंद्री संयम है ना और वाणी संयम है ना, तो पांच इंद्री और मन को कहां से हटाना, बाहर से हटाना, ठीक है, तो अगर उसको वहां से हटाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो टोडर मल्ली साहब कहते हैं सुनो भाई क्या कहते हैं, यदि बाही संयम से कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव है ना वो क्या है, सभी सम्यक दृष्टि है, एक भव अवतारी, एक भव के बाद नियम से जिनको मोक्ष होने वाला है और सब बहुत ही ज्ञानी है, है? उनके तो चौथा गुणस्थान है, उनके कौन सा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, और जो जो 24 घंटे 33 सागर की आयु है और क्या करते हैं बाबूजी 33 सागर, तत्व विचार करते हैं, आत्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। सुधील भैया कितने साल तक, कितने साल तक, सालनी सागर 33 सागर हो, और रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, सब बुद्धि थी बुद्धिजीवी है, लेकिन गुणस्थान कौन सा है,
जो 24 घंटे आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, उनके ही 14 पुरस्कार है, और जिन्होंने मनुष्य पर्याय में उनके बराबर भले ही ज्ञान नहीं हो लेकिन आत्मानुभूत भाव पूर्वक संयम को धारण किया है तो उनका 5वां गुणस्थान है, मोक्ष मार्ग में उससे ऊपर खड़े हैं। आप समझ, बाहरी संयम से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये जो कह रहे हो आप, ये क्या है? स्टूडेंट मुझे आपकी बात पकड़ में आई है आपको क्या भाई? यदि आप चर्चा चर्चा से सब काम हो जावे, चर्चा चर्चा से ही हो जावे तो सरवार सिद्धि के देव है वो चौथे गुणस्थान के है, और जो यहाँ का जो है मनुष्य है वो कहाँ है? वो उतना ज्ञानी नहीं है छयोत्तम ज्ञान में, लेकिन आत्मानुभव पूर्वक उसने अपने इंद्रियों और मन को से अपने मतलब संयम रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका कौन सा गुणस्थान है सजाव साहब? कौन सा? पंचम गुणस्थान। देखो पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है ना। यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है। नियम से सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सर्वार्थ सिद्धि में एक भाव अवतारी होते हैं, हाँ। उनके तो चौथा गुणस्थान है और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुणस्थान है, सो क्या कारण है? स्टूडेंट ने प्रश्न खड़ा किया, उत्तर नहीं दिया। अब मुझे बताओ भाई क्या कारण है यदि संयम से कुछ नहीं होता है? फिर आगे, तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम को ग्रहण करते हैं? है? तीर्थंकर महाशक्तिशाली जीव, महापुण्यशाली जीव है, वो फिर गृहस्थ धर्म को छोड़कर क्यों मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं? ठीक है, इसीलिए यह नियम है। क्या नियम है? सुन लेना नियम, ये बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। आप सोचोगे कि एक दुकान, दो दुकान, तीन फैक्ट्री, चार फैक्ट्री और क्या है, अपन तो सिर्फ तत्व विचार करें, अपने को क्या है, आज तो परिणामों का फल लगता है, क्रिया से क्या लेना देना। तो टोटल मलिन साहब अभी आके ये बताते हैं, भाई साहब बाहर से निवृत्ति के बिना ये जीव 24 घंटे उसका उपयोग वहां लगता है, उस क्वालिटी की विशुद्धता नहीं आती। आई बात समझ में? दोनों तरफ बराबर धार है उनकी, एक तरफ खींचे हुए नहीं है, है ना। टोटल मलिन साहब का विजन देखना कितना एकदम परफेक्ट है। अब आ गया इसी के अंदर, इसी के अंदर 207 पे, तो 307 पे पैराग्राफ नंबर तीसरा, तथा यदि झूठे दोष कल्पना करके, मिल गया है, ऊपर से पढ़ लेता हूं वो ज्यादा अच्छा है। तथा कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यानियोग में दोष कल्पना का निराकरण, मिल गया, कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यानियोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। क्या कहा है? उसमें कुछ दम नहीं है, पूजा दया दान व्रत में। किसमें कहा है ये? किसमें कहा है? द्रव्यानियोग में। किसने कहा है? हाँ, वो गड़बड़ नहीं पकड़ लेना के किसने, कांजी स्वामी ने कह दिया हो, कुंद कुंद ने कह दिया हो, कजाव साहब किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ, ये तो जिनेंद्र भगवान की परिपाटी परंपरा में लिखे हुए ग्रंथ है। क्या लिखा? कितने द्रव्यानियोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीन बनन प्रकट किया है, और उसी द्रव्यानियोग में क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि के विषय भोग निर्जरा के कारण है। क्या लिखा है उस द्रव्यानियोग में? कि सम्यक दृष्टि के भोग तो निर्जरा के कारण है, है? और इसका ये तो बढ़िया है, सम्यक दृष्टि लड्डू खाए और उसके निर्जरा, और मिथ्या दृष्टि बेचारा पूरे दिन भूखा रहे और उसके कुछ निर्जरा नहीं होती, उसके तो बंदी बंद वो द्रव्यानियोग में। ये महाराज ये कहां से फार्मूला ले आए? है, ये तो कांजी स्वामी का धर्म है। किसका धर्म है? क्या जाओ सर, अरे बोलो। अरे एक्चुअली चक्कर क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो जो भी सभा में बैठने वाला है वो अभ्यास नहीं करता, और उसके अज्ञान का फायदा सभा में जो वक्ता रहता है ना वो ले लेता है, अपनी बात को कैसे भी चला देता है। अब अपना अज्ञान अब चला दे सभा में, कुछ भी चला दे, अब ये समय सार नहीं पढ़ना। अभी देखो, अभी मैं आपको टोटल मोदी साहब का विजन क्या है, देखो क्या कहते हैं। इत्यादि कथन सुनकर, क्या बात सुनकर,
भाई जो समय दृष्टि है उसके तो भोग निर्जरा के कारण है, अपन समय सार पढ़ेंगे निर्जरा अधिकार, बिल्कुल ये लिखा हुआ है कुंद कुंद स्वामी ने है। क्या लिखा है कि समय दृष्टि के जो भोग है वो सब निर्जरा, क्या समय दृष्टि बैठ के अगर वो चक्रवर्ती हो और समय दृष्टि हो और फिर वो कितने कितने उसके भोजन बने और वो तो निर्जरा है और बिल्कुल एक कोने में बैठा हो जो एक समय खाना खा रहा हो और उसमें समय दर्शन नहीं हो तो उसके बंद है, है? तो ये वो भोग से निर्जरा है क्या, ये बताओ आप है भोग से, तो फिर आप बार बार वो भोग की बात से निर्जरा क्यों कहते हो, तो वहां आपका क्या एंगल है। तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं भाई हम ये बताना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि सम्यक दर्शन यदि हो, श्रद्धान अपनी आत्मा का हो और यदि फिर भोग भी होते हो तो भी तेरे निर्जरा चलती है, तो बताना सम्यक दर्शन की महिमा है, यानी बताना कि भोग से निर्जरा है, भोग से निर्जरा नहीं होती है क्या, क्या बताना क्या है वह द्रव्य में कि तू आत्मा का अनुभव कर, ये बताना है वहां, ये नहीं बताना है कि भोग से निर्जरा कि तू कुछ भी खा रहा है तो तेरे निर्जरा होती है, लेकिन ये जीव समझता नहीं है। अरे ये क्या बात कहती है, देखो अभी पढ़ते हैं अभी आगे क्या लिखा, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण का इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। एक तरफ अभी पंचम काल में यह माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है कि साहब समय सार नहीं पढ़ेंगे, क्यों कि इसको पढ़ के स्वच्छंद हो जाते, समय सार सभा में नहीं पढ़ना और ये तो मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं है, ये तो मुनियों के लिए ग्रंथ है, ये फार्मूला चल रहा है और कौन कह रहा है उनका आप सब जानते हो, ठीक है ना क्या, लेकिन एक तरफ फार्मूला चल रहा है। अभी देखो उत्तर सुनो आप, ग्रंथ में क्या कहा टोडर मल्ली साहब ने, क्या कहा उससे कहते हैं, किससे कहते हैं, जो कहता है कि समय सार सभा में नहीं पढ़ना, जो कहता है कि द्रव्यानियोग का कथन नहीं करना, उसको सुनकर जीव पाप में लग जाएंगे, है अभी बड़ी मुश्किल से मंदिर आ रहे थे और आप कह रहे हो कि पूजा में धर्म नहीं तो ये पूजा छोड़ के पाप में लग जाएगा, ऐसा उपदेश ही नहीं देना, नहीं कह जाओ साहब, कितना सीधा फार्मूला है, समझ में आ जाता है नहीं फार्मूला। अब टोडर मल्ली साहब का उत्तर सुनो आप, क्या कहते हैं, उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य को तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, क्या क्या उत्तर दिया है सुशील भैया, क्या कहा, गधा यदि मिश्री खा के मर जाए, कौन मरा, गधा, गधा मरा है, ऐसे ही अध्यात्म की बात सुनकर कोई स्वच्छंद भी हो जाए वो गधा है, पाप में लग जाए, समय सार पढ़ के जो पाप क्रिया में लग जाए वो तो गधा है, और उसको देखकर दूसरे जो जीव समझदार जीव वो समय सार पढ़ना छोड़ दे, ये तो मूर्खता है, है? अरे हाजी या नाजी समझ में आती है सेंटेंस, नहीं तो अपन क्रम में विस्तार करेंगे, आपकी ताकत होगी उतना विस्तार करेंगे, क्या यदि गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे, क्या अगर कोई ऐसा लग रहा है ना समझदार पढ़कर स्वच्छंद हो रहा है तो उसको स्वच्छंद नहीं हो उपदेश दे, फिर समझदार की चर्चा नहीं करे, वो पाप में लग रहा है, तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध है, इसलिए उसे भली भांति उसको सुने और वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु इस प्रकार सुनकर अपने अभिप्राय में कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का दोष नहीं, ठीक है। तो साहब ये बात तो आपने ग्रंथ की तरफ से कही, उपदेश दे के नहीं दे, आप तो ये बताओ समय सार पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, अभी देखो अगला 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 पैराग्राफ, यदि झूठे दोष की कल्पना करके, कौन से झूठे दोष की कल्पना करके, अरे बोलो कौन से झूठे दोष की कल्पना, आपने अपनी मर्जी से कल्पना करी, क्या कल्पना करी कि समय सार पढ़ेंगे तो वो स्वच्छंद हो जाएगा, समय सार पढ़ेंगे अध्यात्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो पाप में लग जाएगा, ऐसी कल्पना करके यदि अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, है? क्या कहा टोडर मल्ली साहब ने, क्या कहा गजाव साहब, कहां है माल, असली माल तो समय सार में है और आप कह रहे हो समय सार नहीं पढ़ना तो उसको क्या रखना बाकी जीव,
अरे बात पकड़ में आई, मैंने बाबूजी से बोला था एक महीने में मुझे उत्तर बताना कि 19 बार को प्रवचन करे समझदार, कि आप सबके पास सब खोज के मुझे बताना। हाँ क्या क्या कहा जैनदास के असली मोक्ष मार्ग का असली उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथ में है, ठीक है। अच्छा आगे, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाता है। आप यदि बोलते हो ये नहीं पढ़ना तो आपने मोक्ष मार्ग का ही निषेध कर दिया, क्योंकि असली उपदेश तो वहां है, ठीक है। तो साहब फिर ये बारिश होती है, अब कुमार ने घड़े बाहर रख दिए हैं, अब वो उसके सब बिगड़ जाएंगे, ये बारिश तो नहीं होनी चाहिए। तो वहां वो कह रहे हैं कि बारिश होने दो, एक कुमार के घड़े बिगड़े तो बिगड़ने दो, लेकिन बाकी जीवों का तो भला होने वाला है, जिससे ज्यादा भला हो। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ सभा में खूब पढ़ो, ठीक है। साहब जो कोई स्वच्छंद हो जाए तो स्वच्छंद हो जाए, तो उसके लिए टोडर मल्ली साहब ने कहा वैसे भी पहले भी क्या था और अब क्या कर लेगा, पहले भी वो मिथ्या दृष्टि था और अभी भी मिथ्या दृष्टि है, जाने दो। आई बात समझ में? क्या कहा गजाव साहब, क्या कहा? अरे पसीने छूट जाए, मैंने आपको बोला ना कि ज्ञानियों के ज्ञान के आधार से निर्धारण करो तब आपको महिमा आएगी। आप उनको पंथवाद के आधार से निर्धारण करते हो, उनका विजन देख के निर्धारण करो, उनकी चित्त की पवित्रता देखो, उनके श्रद्धान की दृढ़ता देखो, तब आपको महिमा आएगी कि क्या चीज है। और पंथवादी है, मेरे पिताजी भी थे, मेरे नानाजी भी थे, मेरे मामा वहां गए, मेरी मासी वहां गई, कोई दम नहीं है उसमें। ये वो धर्म का, धर्म में पंथवाद नहीं चलता है। या तो आप देखो कि क्या बात कही आचार्य देव। आई बात समझ में? चलो कल करेंगे इसकी चर्चा, आगे बहुत सुंदर चर्चा है और क्रम में तो अपन पूरा इसको पढ़ेंगे। आप कुछ बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी? आता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझम से चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूं मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।